हेलो गाइस, मैं शफान, तो आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा पैनकेक कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल में एक अंडा फोड़ देना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप चीनी, थोड़ा सा एक चुटकी के करीब नमक और 2 चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, इससे जो अंडे की स्मेल होती है वो बैलेंस आउट हो जाती है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसके अंदर 1 कप मैदा डालना है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। उसके बाद हमें इन सबको मिला के एक बैटर बना लेना है। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, ऐसे लिक्विड ही रहेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। बैटर बनने के बाद हम इसे एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और उसको टिश्यू से पोंछ देंगे। अब जो हमने बैटर तैयार किया था हम वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको ऐसे हमें बीच में डालना है। इसको हमें स्प्रेड नहीं करना है, अपने आप ही थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा। और उसके बाद जब इसके ऊपर ऐसे बबल्स आने लग जाए तो इसका मतलब जो हमारा पैनकेक है वो नीचे से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। ऐसे हमें पैनकेक्स को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना और इसको आप ऐसे ही गर्म गर्म सर्व करें। इसकी प्लेटिंग के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और हनी डाला है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी या जो भी कट फ्रूट्स डालने चाहे वो डाल सकते हैं। पैनकेक की रेसिपी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।